खुशबू हूं मैं, फूल नहीं जो मुरझाऊंगा जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा। आलमपुर गांव का निशान, यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। छोटी छोटी बस्तियों से गुजरते हुए मुसाफिर इस राह के आखिरी कस्बे तक पहुंच जाता है। ये कस्बा है शीरीना। आज से तकरीबन 100 साल पहले इब्राहिमी नाम का एक दौलतमंद खानदान अंग्रेजी हुक्मरानों के डर से भागकर शीरीना में बस गया था। उस खानदान के लोग अंग्रेजों के डर से वहां छुपे रहे और अपनी बेपनाह दौलत दुनिया की नजरों से छुपाते रहे। लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है। आखिर एक दिन सरकार को पता चल ही गया और फिर उस खानदान का नाम निशान दुनिया से मिटा दिया गया। लेकिन वो दौलत आज भी काशाना इब्राहिमी के किसी कोने में दफन है। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि यह नक्शा सच्चा है और आप जो कह रहे हैं वो सही है? इस इलाके में हमारी आदतों से सभी वाकिफ हैं। हो सकता है आप भी हमारी कमजोरी से फायदा उठाना चाह रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे दादा खानदान इब्राहिम के बवफा मुलाजमों में से थे। इसका मुआवजा हुजूर जो मुनासिब समझे। Thank you.
मारे घर की मजदूरी पर जिससे कि एक वक्त की रोटी भी नसीब ना हो, एक वक्त की सूखी रोटी मिल जाए उसी को खजाना समझो। हमारे बच्चे को मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से कि इस वक्त आप मेरी मजबूरी को समझिए। मीर साहब, ये अमीरी और गरीबी का सवाल है। मैं अमीरी और गरीबी की बात नहीं कर रहा। क्या मैं आज तक आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करता रहा? क्या मैंने आपके साथ मिलकर हर भारी पत्थर को नहीं तोड़ा? हाँ तोड़ा है, लेकिन तुमने हर भारी पत्थर को इसलिए तोड़ा है कि तुम्हें उस पत्थर के नीचे खजाना नजर आ रहा था, और हम लोगों को हर पत्थर के नीचे दो सूखी रोटियां, और आज हर पत्थर के नीचे एक और पत्थर, एक और पत्थर, एक और पत्थर। जाओ अपने घर जाओ सब। तुम तो अकलमंद आदमी हो, इन लोगों को समझाओ। मैं कसम खाता हूं इनके और तुम्हारे हर एहसान की मैं दुगनी कीमत दूंगा। तकरीबन सब कुछ हो चुका है, चंद रोज बाकी हैं। खुदा के लिए इन्हें समझाओ। मीर साहब आपकी मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो मुट्ठी खुल चुकी है ना। अब आपकी हैसियत का मोल इन्हीं पत्थरों से चुकाया जा सकता है। इसी उम्मीद में उम्र गुजार दी। खजाना आज मिलता है, कल मिलता है, सारी हस्ती लुटा दी अपनी, फकीर होकर बैठा हूं, आखिरी सांसें गिन रहा हूं। एक ही बेटा है और उसके लिए भी कुछ नहीं कर सका। मीर साहब, आपका बेटा होनहार बाप का बेटा है, विलायत में डॉक्टरी पढ़ रहा है, अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेगा। मगर मैं तो नामुराद जा रहा हूं अब्दुल करीम। नाउम्मीदी की बातें क्यों करते हो चाचा जान? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे जान से भी प्यारे बेटे अमान, जिस वक्त ये खत तुम्हें मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तुम्हें ये पढ़कर अफसोस होगा, मुझमें अब हालात से लड़ने की ताकत नहीं रही। जिल्लत की जिंदगी में गुजारना नहीं चाहता। खजाने की तलाश में मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाया हो गया, लेकिन न जाने क्यों मुझे भी यकीन है कि खजाना यहां है, मगर मेरे पास न रुपया रहा है न काम करने वाले किसी हालत में साथ देते। बेटे, मेरी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा बदनसीब बाप। बेटी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इधर आओ। यह है उस खजाने का नक्शा जो अमान के वालिद के पास था। उसका राज उनके बाद मैं ही जानता था। आज सिर्फ हम दोनों जानते हैं। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? जी हाँ अब्बा। आमिर एक बुरा और बदनीयत आदमी है, नक्शे को हासिल करने के लिए हर जायज नाजायज हरकत करेगा। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे? इसलिए कि तुम मेरा रास्ता रोके हुए हो। कौन सा रास्ता? वो नक्शा कहाँ है? कौन सा नक्शा? ऐ अब्दुल करीम, तुम मुझे जानते हो मैं किस तरह का आदमी हूँ। सीधी तरह से नक्शा दे दो। रास्ता छोड़ो। बेकार बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। मैं तुम्हें दो दिन की मोहलत देता हूँ। दो दिन के अंदर अंदर वो नक्शा मुझे ना मिला ना तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि कोई दुश्मन के साथ में क्या करे। चलो। आमिर,
ये सब क्या हो रहा है? तलाश कर रहा हूँ, मेरी एक जरूरी चीज खो गई। भूल रहा हूँ, ये घर तुम्हारा नहीं है, मिर्जा साहब का घर है, उनके बेटे की अमानत है। मगर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे कर सकता हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे बाप की जायदाद? शराफत से बात करो, नहीं तो तुम्हारे बुढ़ापे पे तरस खा रहा हूँ अब्दुल करीम, नहीं तो तुम्हें इस नहीं तो का मजा चखा देता। अब सीधी तरह से बताओ नक्शा कहाँ है? लालच है तुझ पे, लालच ने तुझे अंधा बना रखा है। अरे जाहिल, वो खजाना किसी की अमानत है। खबरदार, जो मेरे अब्बा को हाथ लगाया तो। बेगम, कब से छुपा हुआ यहाँ? कब से छुपा हुआ? लू के पट्टे, तू क्या समझता है बूढ़ा बाप तुझसे शादी करा देगा बेगम की? अरे पागल, वो तुझे दामाद नहीं बनाएगा, वो दामाद बनाएगा तो अमान को। अब्बा क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझा। इश्क और मोहब्बत की बात होगी तो समझेगा, है ना? देख नासिर, अगर तूने मेरे किसी मामले में दखल दिया ना, तो मैं तेरी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा, समझा? चल दफा हो अब। अकल की बात करना नासिर, एक लड़की के लिए जान देने जा रहा है? हा? अरे नासिर होश में आ, वरना मैं तेरे अब्बा से जाके कह दूंगा। ए नासिर, यार मेरी बात तो सुन। अरे नासिर, नासिर, ये क्या पागलपन है? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। ये क्यों नहीं कहता बेगम की आशिकी का भूत सवार है तेरे सर पर? यही बात नहीं अब्बा, सच पूछो तो कल रात जब आप बेगम और उसके बूढ़े वालिद पर जुल्म कर रहे थे किसी खजाने के नक्शे के लिए, मुझे आपकी वो शक्ल नजर आई जिसका ख्याल कभी मेरे जहन में भी नहीं था। कल रात मुझे अपना बाप इंसान नहीं एक पेशी तरिंदा दिखाई पड़ा। अब्बा आपने मुझ पर हमेशा जुल्म किए, लेकिन मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सका, कभी नफरत नहीं कर सका। मैं तुझे जिंदगी की हर वो खुशी देना चाहता हूं जो मैंने नहीं देखी, और वो खुशियां सिर्फ दौलत से हासिल होती है बेटे। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवा एक बात के, आज के बाद आप उस नक्शे का ख्याल तक अपने दिल में नहीं लाएंगे, कसम उठाइए, नहीं तो आपको मेरी लाश उठानी पड़ेगी। अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं तुझे अपनी जबान देता हूं कि आज के बाद कभी नक्शे या खजाने का नाम भी नहीं लूंगा। लेकिन तुझे भी एक वादा करना पड़ेगा, तू बेगम का नाम कभी नहीं लेगा। अगर ये मेरे बस की बात होती, बेटी अमान का खत आया था? आया था अब्बा, उन्होंने लिखा है उनकी पढ़ाई का आखिरी साल है, फिर वो पूरे डॉक्टर बन जाएंगे। यहाँ आने के बारे में क्या लिखा था? साल खत्म होते ही, साल खत्म होते ही दो ही महीने तो रह गए हैं। तुम सब यहाँ क्यों बैठे हो? लड़की अकेली थी इसलिए यहाँ बैठे। बेगम, इस तरह बीमार के सिरहाने बैठने से कोई बीमार ठीक थोड़ी हो जाता है। जाओ बाहर जाके बैठो, जाओ। अब्दुल करीम, तुम जा रहे हो, वो नक्शा मुझे दे दो, क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ नहीं जानता, दफा हो जाओ। मैं कहता हूं अब्दुल करीम, अपना नहीं तो लड़की का ख्याल करो, तुम्हारे जाने के बाद वो अकेली हो जाएगी। वो नक्शा मुझे दे दो, मैं वादा करता हूं खजाना मिलते ही एक हिस्सा उसे भी दे दूंगा। नहीं, दे दो नक्शा मुझे। नहीं,
यू। हुजूर की खिदमत में बंदा हाजिर है। मुझे टैक्सी चाहिए, मिलेगी? वल्ला मिलेगी क्या सरकार, मिल गई समझिए सामान। हाँ बस यही है। लाइए, आप यही ठहरिए, मैं अभी गाड़ी घुमा कर लाता हूँ। हुजूर को जाना कहाँ है? चलिए ना। तब पछता हो, माफ कीजिए, टैक्सी नहीं जाएगी। हुजूर को शीरी में जाना है। शीरी में? जी हाँ। जाना क्या काम हो सकता है? तुमने पूछा नहीं? मैं क्यों पूछूं, ले जाना हो तो पूछूं। अरे भाई, 114 माइल की चढ़ाई चढ़ के जाना और उसके बाद खतरनाक रास्तों से लौटकर वापस आना। अल्लाह तो वाह। अरे नाम अल्लाह का लेता है फिर भी अपने आप को अकेला बोलते हैं यार। ओ मेरा यार लोग, इस दुनिया में ना तो कोई अकेला आता है ना कोई अकेला जाता है, मालिक हर आदमी के साथ होते हैं। जिस दिन मालिक साथ छोड़ता है ना, उस दिन आदमी लाखों का भीड़ के अंदर भी अकेला हो जाता है बिल्कुल। ओए जमाली, ओए उल्लू का पटा, गधे का बच्चा, बात सुनो। तुमने बाबू साहेब से पूछा था कि बाबू साहेब आप खाली शीरीना जाऊंगा कि शीरीना से वापस भी आऊंगा, पूछा था? मैं भी कितना उल्लू का पट्टा हूँ, ये तो पूछना भूल ही गया मैं। ओए 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 पिदर सो, उधर रुको, उधर खड़ा हो जाओ, जम जाओ एकदम, कुल्फी का माफक उधर जम जाओ। अगर तुम एक कदम भी आगे लिया ना, हम पाक परवरदिगार का कसम तुम्हारा मकबरा उधर ही बनाएगा। लेकिन उस्ताद वो मैं। उधर खड़ा रहना आराम, ज्यादा जाना नहीं, हिलना नहीं बिल्कुल। वो इसलिए जमाली बच्चा कि तुम अपना चांस गवा दिया है, अभी हमारा लंबर है। अभी हम बाबू साहब के पास जाएगा, बाबू साहब से पूछेगा, बाबू साहब आप शीरीना जाऊंगा, हो सकता है शीरीना से 2-4 दिन के बाद वो वापस भी आऊंगा। मुझे शीरीना जाना है, आप लोग चलेंगे? शीरीना? वो तो 114 मील दूर है, तो तांगा तो वहां जा नहीं सकता। हम उससे आने का भी किराया वसूल कर लेगा और जाने का भी किराया ले लेगा, समझे तुम? लेकिन उस्ताद वो मैं। और जमाली बच्चा, अगर तुम अपना मुंह खोल के हमको अपना जबान दिखाए ना, कुरान मजीद का कसम, हम तुम्हारा जबान ऐसा केस देगा ना कि तुमको कल से कमीज पहनने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। वालेकुम सलाम। सरकारी बाबू साहब आप अगर मुझे शरीना ले जा सकते हैं तो हाँ कहिए, और अगर नहीं ले जा सकते तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए बगैर कुछ कहे। शरीना यहाँ से 114 मील है यहाँ से, प्लीज कुछ नहीं। शरीना जाने का कितना किराया लगेगा अभी बता दीजिए, किराया चलने से पहले। वेट अ मिनट, किराया आप आने जाने का किराया मुझसे अभी ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ शरीना जाना है। डू यू अंडरस्टैंड? आप ऐसे बेवकूफों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? आप जबान घर पे छोड़ के आए हैं क्या? ये क्या है? इसको अंग्रेजी में रुमाल बोलते हैं। मैं क्या करूं इसका? इस रुमाल के साथ अपने मुंह के ऊपर जो जाग लगा है ना, उसको पोंछ डालो और उसके बाद हमको बताओ कि अभी तुम फिर बात करने वाला है या अभी हमको काटने के लिए भागेगा। आई एम सॉरी, ये माफ करिए। वो थोड़ा जाग उधर उधर क्या है कि अभी भी इतने सारे लोग, ये तांगे वाले, टैक्सी वाले, सभा कर इतना कुछ बोल गए कि मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया है। आप मुझे शीरीना आम लेके जाएगा आपको? हम आपके साथ शीरीना जाएगा। थैंक यू। सलाम अलैकुम, हमारा नाम है मोहम्मद उमर खान। वैसे उमर खान नाम है लेकिन इधर का सब चिड़ी कबूतर लोग है ना, हमको अजब खान के नाम से जानते हैं। हम बहुत अजब आदमी है। हम आपके शीरीना लेके जाएगा, हम आपको शीरीना लेके जाऊंगा। उधर हम आपके साथ शीरीना में रहूंगा, आप शीरीना के अंदर 2-4 दिन रहूंगा, 7 दिन 12 दिन 2 दिन रहूंगा, उसके बाद हम आपका मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज होएगा, उसके बाद हम जापना के साथ साथ इधर वापस आएगा आलमपुर, आपको छोड़ेगा, सलाम करेगा। आप 2 दिन में तो वापस आ जाएगा ना? मैं 2 दिन में वापस नहीं आऊंगा, मैं शायद कल वापस आ जाऊं, मैं शायद 1 हफ्ते बाद वापस आऊं, मैं शायद 1 महीने बाद वापस आऊं, मैं शायद वापस आऊं ही नहीं। आपको मेरे वापस आने या ना आने से क्या? देखिए मुझे आप शीरीना ले जाइए प्लीज। तो शीरीना जाने, आप अपना टीन टपाड़ा अपना सर के ऊपर रखो, वो सामने खुला सड़क देखते हैं ना टेढ़ा मेढ़ा, वो शीरीने का सड़क है, उसके ऊपर पैदल पैदल चला जाओ, इंशाल्लाह मौसम बदलने तक तुम शीरीना पहुंच जाएगा। उधर अंगूर का सीजन होगा, फल खाना, हमको याद करना। सलाम अलैकुम। अजब अजब खान। सलाम अलैकुम। अजब खान, उमर खान। विलायत में हम पठानों की बहुत तारीफ सुना करते थे, हमारे उस्ताद हमसे कहते थे
कि पठान बेहद मेहमान नवाज होते हैं, बेहद बहादुर होते हैं। अरे मिस्टर अजब, बेहतर होगा कि ये खान अपने नाम से अलग कर लो। हाँ, यू बेटर जस्ट रिमूव इट, जस्ट कॉल योर सेल्फ अजब, मिस्टर अजब बस। अरे किसी असली पठान से वास्ता पड़ गया और उसके पता चल गया कि तुम खान हो और मेहमान नवाजी का मतलब भी नहीं जानते, तो उसकी गोली का निशाना बन जाओगे। तुम क्या बोला? जो सच क्या बोला तुम? जो सच है वो ही। तुम्हारा बोलने का मतलब है कि हम पठान नहीं है? हाँ, हम वैसे ढिलौल तो पठानों का सा है, लेकिन लेकिन ओ भाई साहब, पाक परवरदिगार का कसम, ये पूरा इलाके का अंदर हमसे ज्यादा असली नस्ल का पठान कोई दूसरा नहीं है। ओ अच्छा, तुमको देखना है। ए जमाली, ओ बदरुद्दीन, ओ सदरू, सब इधर आओ, उल्लू का पट्टा इधर खड़ा हो जाओ, खंजीर का औलाद। ओ जमाली, तुम हमको बताओ, तुम तो हमारा बाप दादा का जवानी देखा है ना, तुम हमको बताओ हम असली पठान है कि नहीं है? बाबू साहब को बताओ, या खुदा पाका हमारे खानदान का लंबा नाक के ऊपर इस अंग्रेज बाबू का टेढ़ा मेरा उंगली उठ गया है। ओ खुदा पाका। ओ, कम ऑन मिस्टर राजब, खुदा तो जवाब देने से रहा, आपस की बात है, समझ लेंगे। या अल्लाह मियां, हमको कैसा दिन दिखाया मौला, हमारे खानदान का इज्जत मिट्टी में मिला दिया है, हम असली पठान है, हमारा माँ बाप का इज्जत के ऊपर जो दाग लगा है वो क्या अजब खान के खून से धुलेगा? पेट्रोल से साफ हो जाए शायद। क्या बोला? कि अगर आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर शिरीना ले जाएं तो आप मेहमान नवाज कहलाएंगे और तब आप अपने नाम के साथ खान दोबारा जोड़ सकते हैं और मुझे भी बहुत खुशी होगी कहते हुए हेलो अजब खान। हम तुमको शिरीना नहीं लेके जाएगा भाईजान, हम उस माधुर फलूस गाड़ी में तुमको नहीं बिठाएगा, अपने कंधे के ऊपर बिठाएगा, हम तुमको काबुल ले जाएगा, कंधार ले जाएगा। तुम यहाँ से हिलना मत, तुम इधर बैठना, हम अभी आते हैं, आज जाओ, तब आ जाओ तुम लोग। चलो गाड़ी तैयार हो जाओ, चलो हो जाओ ना, तुम चलते कि नहीं है? बाबू साहब, तुम इस किताब के अंदर क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हो तुम? हाँ किताब। ओ कहानी, उसके अंदर ये हरा हरा झाड़ है, काला काला आसमान है, बड़ा बड़ा पहाड़ है, है? हो सकता है। अच्छा अच्छा, उसमें कैसे हो सकता है, उसके अंदर तो सफेद के ऊपर काला कीड़ा मकोड़ा लोग चलते हैं। हो सकता है काला रंग मुझे पसंद हो। नहीं, खान चट्टान है। चट्टान का टुकड़ा है, चट्टान का बच्चा है, उसके अंदर देखो ना कुछ लिखा होगा, कैसे हटाने का उसको बाहर किताब में? नहीं इसमें तो, अरे तो किसी को लेके लेके आओ मदद करने के लिए। सब हमको खुद करना पड़ेगा। तुमको खुद? हमको खुद खेले? देखो हम अकेला नहीं है, हमारे साथ हमारा अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह होता है वो कभी अकेला नहीं होता। I say, खान जल्दी करो, कितनी देर लगने वाली है? हमारे पास घड़ी नहीं है बताने के वास्ते कितना टाइम लगेगा। खुदा परास्त है, इसका बाप का राज चलता है, मालूम तो आपको होना चाहिए था कि इधर का रास्ता बंद होगा। नहीं मालूम है हमको। This is really inconvenient. तुम उस गाड़ी से निकल जाओ, हेलो, दूसरी तरफ जाओ, उधर जाके कुर्सी डाल के बैठो साहब। ओ खुदाया, सॉरी सॉरी। ओ यार, तुम हमारे पीछे आके वाह वाह करने का तुमको? राइट, 10,000 फुट तो होगा। नहीं होगा, 20,000 फुट होगा। अच्छा, I wouldn't like to fall down there.
क्या बोला? कुछ नहीं भैया, कुछ करो ना, कुछ इंतजाम करो ना, कुछ तो पे बुलडोजर वगैरह नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है ये चट्टान हटाने के लिए। बुल कौन? हाँ अच्छा हाँ, खैर आप कोई रास्ता कोई रास्ता निकालता है, तुम हमारा रास्ता छोड़ दो यहाँ से, दफा दफान हो जाओ, जाके बैठो, तुम किताब पढ़ो किताब, और उसके अंदर बुल ढूंढो, बुल डोजर, बुलडोजर, बुलडोजू। अभी क्या करेगा भाईजान इसका, इधर जाएगा तो गिरेगा, उधर जाएगा तो टकराएगा, कुछ करता है। या पाक परवरदिगार, ये किस अंधे का हाथ में बंदूक दे दिया तुम? ओ अंधा, ओ ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये हाथी नहीं है, ये देखो ये पत्रा है, इसके ऊपर पत्रा, और तुमको बंदूक चलाने का इतना शौक है, उल्लू का पट्टा, तुम शिकार पे क्यों नहीं जाता? क्या है? मान लिया तुम पठानो, but for God's sake, अगर उसके पास दूसरी गोली हुई तो? अगर उसके पास दूसरी गोली हुआ ना तो हम वो गोली उसके I told you. बाहर आओ, हमको मालूम पड़ना चाहिए तुम कौन है। Hold your fire! तो गोली चलाता है तुम, और तुम अंदर करो उसको। मुझे समझाने दो ना उसे। भाई साहब आप गोली मत चलाइए। आ गया। अगर तुम खजाने की तलाश में आए हो तो वापस चले जाओ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम गांव जाने के बजाय आलमपुर की तरफ अपनी गाड़ी का मुंह मोड़ लो, नहीं तो हमारी इस पहली मुलाकात को आखिरी चुनौती समझ लेना। आप क्या करेगा? अब टायर बदलेगा, शिरीना जाएगा, और क्या करेगा? शिरीना जाएंगे। अभी तो मजा आएगा शिरीना जाने का, अभी शिरीना का अंदर गोली चलेगा, खजाने का तलाश करेगा, अभी तुमको रहना है, तुम दो चार बरस रह जाओ। भजन, हमारा बहुत अजीब आदमी खान इसलिए है क्योंकि हम बहुत अजीब आदमी। क्यों, क्या शराफत है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक औरत को तंग करते हुए? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भाई साहब, आपको मालूम है ये काशाना इब्राहिमी किधर है? इब्राहिमी कारखाना बाजू में, कारखाना बाजू में, कारखाना नहीं काशाना। वो क्या पता चलेगा यार, हम पूछता है काशाना किधर है, वो बोलता है कारखाना किधर है। चलो आगे चल के ढूंढते हैं। हाँ चलो।
ये मत समझो मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से बकरी को इस तरफ आते हुए देखा है। बताओ किसके पास है मेरी बकरी? बूढ़े जवान सब एक ही रंग में रंगे हैं, मुंह में दांत ना पेट में आंत। यहाँ बैठे दिल लगी कर रहे हो और घर में जो तुम्हारी बीवियां बैठी हैं उनका क्या होगा? कौन मजाक करेगा उनके साथ? किराए के आदमी बुलाओगे क्या उनके लिए? और ये जवान तो बिल्कुल बेलगाम है, जैसे इनके घर में माँ बहन ही नहीं। माँ बहन तो है बेगम, बीवी नहीं है। तुझे बीवी की क्या जरूरत है? तू तो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के मुझे बता दे, मैं तेरे हाथ पीले करवा दूंगी। क्या तेवर? ए भैंसे, शक्ल देखी है आईने में? एक झापड़ रख दिया ना तो आने वाली सारी औलाद बगैर दांत के पैदा होगी। छोड़ दे बकरी को। मैं कहता हूँ छोड़ दे बकरी को, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब पता चल गया तुम में से कोई भी अपने बाप की औलाद नहीं। सुनिए, माफ कीजिएगा, मैं इस गांव में नया हूं, मेरा नाम अमान है। अगर मुझे कुछ हो गया तो अमान के आते ही ये नक्शा उसके हवाले कर देना। देखिए, इनकार मत कीजिएगा, आप वैसे ही बहुत भीग चुकी हैं, घर पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल तरबतर हो जाएंगी। प्लीज है। बंदी तस्लीम अर्ज करती है, आपके आने की खबर बस्ती में खुशबू की तरह फैल गई है। काशानाए इब्राहिमी में कदम रंजा फरमाने से पहले अगर हजूर बंदी के गरीब खाने पर तशरीफ लाएं तो बंदी के लिए बाइस से फख्र होगा। ओ खुदाया पाका, वो बारिश में आपका एक बारिश में भीगता है। अजब खान के दिल में आपके वास्ते बहुत जगह है। आओ आओ। शुक्रिया। संभाल के। ओ वाह वाह वाह, जल गया था। आजी साहब आप आगे बैठ जाओ। आजी साहब ओ खुदाया पाका, खुदाया पाका, हम तो समझा था कि ये तीन टांग गांव के अंदर किसी को मालूम नहीं पड़ेगा भाईजान, लेकिन देखो अल्लाह मियां ने सुन लिया हमारा। खातून, आपका नाम क्या है? नाचीज को साहबजादे इनार कली कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही नाम हो सकता था आपके लिए, दूसरा नाम को मौजू नहीं है। मेम साहब, आप आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? पीछे। चलो। ओ आ गया आपका मेम, इधर रुक तू। बारिश है भाई, ठंडा ठंडा बारिश है, ठंडा ठंडा। आ जाओ कुर्बान जाओ। ओ दोस्त, जरा जाके वो दरवाजा खोल। बहुत बहुत शुक्रिया खान। ओ शुक्रिया किस बात का हमारा जान, मेरा जन्नत का फरिश्ता। ओ देखो खुदा का शान, बारिश भी बंद हो गया। आपने हमारा गाड़ी के अंदर, इस नाचीज गाड़ी के अंदर बैठकर आपने जो तशरीफ टेका है ना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा तो वादा रहा, कल रात का खाना आप हमारे यहाँ खाएंगे। वो कुर्बान जाऊँ, हम अपना आंखों के बल के ऊपर चल के आएगा। और आप हुजूर? जी नहीं, मैं जरा। हाँ बाबू साहब, हमारा बाबू साहब थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, वो भी आएगा, वो अपना कदमों पे चल के आएगा। अभी आप अंदर चले जाओ कुर्बान जाओ, नहीं तो सर्दी लग जाएगा, गला खराब हो जाएगा। देखो लग गया ना सर्दी। वाह 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 वाह, वो अपना तशरीफ जरा संभालना। वही वही। अस्सलाम वालेकुम। वो खुदा तेरा खासिस दे, वाह अल्लाह मदद। खान, मेरी तरफ से ये दावत कबूल करने की इजाजत आपको किसने दी? एक तो आप उस औरत को छोड़ने के लिए इतनी दूर यहाँ तक आए, और फिर आप उसके बाद। ओ ओ ओ भाईजान, ओ भाईजान, ये बैठे बैठे तुमको मिर्ची किस बात का लग गया? किस लिए? देखिए, इस गाड़ी का किराया मैंने दिया है और ये वहीं जाएगी जहाँ मैं कहूँगा। अच्छा 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 अच्छा, भाईजान तुम इस गाड़ी का किराया दिए, तुम अजब खान का मर्जी को नहीं खरीदे। ओ ओ ओ खुदाया पाका, दाऊ गोरा अल्लाह पाक दाऊ गोरा, ये रुस्के पल का औलाद पैदा हो गया हमारे वास्ते।
भाईजान ये रहा तुम्हारा भाई से तुम्हारा छोटा बक्स का औलाद, ये संभालो, हमारा गाड़ी से नीचे उतरो, अपना हुक्का भी बाहर निकल के पियो। ओ भाईजान देखो खुदा का शुक्र करो क्या हम तुमको इधर तक लेके आया, दूसरा आदमी होता ना दाऊद का औलाद तुमको सड़क के बीच में छोड़ देता, उतरो। ओ दो देखता क्या हमको बिट बिट क्या देखता है, वाह लेकिन गाड़ी का किराया दिया था उसका औलाद, वाह ओ रही से पैसे वाला है, ओ चलो गाड़ी का बच्चा चलो, ये पैसे वाला लोग के साथ नहीं बैठने का, चलो रखो अंदर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। फिर बारिश चालू हो जाएगा, तुम्हारा हुक्का भीग जाएगा। बैठो। थैंक यू, वेरी मच। हाँ, तुम बैठो, बैठो। आई रियली अप्रिशिएट। वो अप्री वैप्री बाद में करना, तुम चलो। पाका जलतू जलाल तू आई दुआ को टाल तू, ये क्या है भाई? ओ भाई जान मेरे बाप के लिए खाई। अच्छा क्या लिखे पढ़ो। शेर लिखा है। शेर लिखा है, वाह वाह वाह, क्या शेर लिखा है, जरा पढ़ के सुनाओ हमको, जरा सुनाओ। नहीं है जमाने की नजर में बाकी, आया नहीं है जमाने का नजर में बाकी, वाह वाह आगे पढ़ो। खुदा करे जवानी तेरी रहे बेदाग, वाह खुदा करे जवानी तेरा रह जाए बेदाग। बेदाग है? तुम्हें क्या हो गया? हाँ ये मेरे बाप का खत है, तुम्हारी उनसे जानना पहचान, तुम किस बात पर रो रहे हो? और जरूरी थोड़ी है कि किसी के साथ जान पहचान होगा तो कोई रोएगा यार, हम तो एक बाप का प्यार समझ सकता हूँ, वो तुमसे कितना प्यार किया जब वो लिखा खुदा जवानी बेदाग रहना चाहिए, ओ खुदा पाका वो तुम कैसा आदमी है यार, वो तुमको दुख के अंदर आंसू नहीं आता, खुशी के अंदर तुम हंसता नहीं है, तुम एकदम ठंडा आदमी है यार। देखो खान मैं वो देखो मेरे को कुछ नहीं, वो जो बाहर जो कबर है वो किसका कबर है? मेरे वालिद की होगी। तुम्हारे वालिद की होगी, तुमको मालूम नहीं होगी? अरे मुझे क्या मालूम, जिस बात तुम्हें लड़ रहा हूं। रुको, तुम उधर रुका था, तुम उधर रुका था फातिहा पढ़ने के लिए। बारिश कितनी हो रही है, तुमने देखा भी है भाई? वो अल्लाह रसूल से डरो यार, बारिश हमें नहीं रहेगा इधर, हमें इधर नहीं रहेगा, इस भूतिया महल के अंदर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कैसी बातें कर रहा तुम? हम जाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अरे खान देखो, खान देखो इतनी रात गए, आई एम टेलिंग यू। बारिश बहुत है, हम कल सुबह वापस जाऊंगा। Thank you.
वालिद ने मरने से पहले एक जिम्मेदारी मेरे अब्बा को सौंपी थी, एक अमानत जिसे आप तक पहुंचाना था, लेकिन शायद ये फर्ज अदा करना मेरी किस्मत में था। ऐसी कौन सी अमानत हो सकती है जिसके बारे में मेरे अब्बा ने मुझे अपने खतों में भी नहीं लिखा? काश ये हम उनसे पूछ सकते। गांव का टकटा नौजवान लोग है, मैं साहब मेहनत करो मेहनत। आजकल के जमाने में 2.5 रुपया मजदूरी किसको मिलता है दुनिया का अंदर? देखो तो मेहनत ईमानदारी से काम करो, क्योंकि परवरदिगार काम चोरों से नफरत करता है, समझा? और हम भी नफरत करता है। अगर तुम अपना काम अच्छी तरह नहीं करेगा, हम तुम्हारा टांग तोड़ के तुम्हारा मुंह का अंदर टोस देगा, समझा? अब ईमानदारी से काम करने का फैसला करो, मौके का फायदा उठाओ, बाबू साहब के पास अपना नाम लिखाओ और दफा हो जाओ। 2x2 चलो, नहीं तो कल से 1.25 रुपया मजदूरी हो जाएगा, ज्यादा देर करेगा 4 आना हो जाएगा। ओ पौड़ा सीधा पकड़ो था उसका औलाद। शब्बे खान, ओ अपना नाम दो, अपना बाप का नाम तो तुमको मालूम नहीं यार। रहीम, गुलाम, शेखलाल। ओ बाबू साहब हमारा नाम भी लिख लो। हमारा नाम है अजब खान, वाल्द वलिदात खान, वाल्द अहमद खान। अजब खान, तुम्हारी भी कोई बात समझ में नहीं आती। कल तक तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ होगा क्या, और आज तुमने 100 आदमियों की भीड़ इकट्ठी कर दी। ये सब तुम करते कैसे हो? जबान शीरी मुल्क गिरी। अगर आदमी अपना जबान मीठे रखेगा सारा मुल्क को फतेह करेगा। हमको ये सब करने के लिए बड़ा बड़ा किताब नहीं पढ़ना पड़ते, हम भोपू और अपना तूतरू से काम करते हैं। ओ खजाने का औलाद, ओ खजाने का औलाद, तुम तैयार हो, हम सुबह आता है तुम्हारे लिए। सरदार, खजाने की खुदाई शुरू हो गई है। होने दो, जब खजाना मिल जाए तो हमें उसकी इत्तला मिलनी चाहिए। जी सरदार। तशरीफ रखिए। आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज है। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उन्हें कभी अपने। सुबोल। वो गिर गया था, हम हाथ दे दिया थोड़ा। तो ज्यादा हो गया है। मौजिज़ मेहमानों की खिदमत में एक ठुमरी पेश करती हूँ, समाज फरमाइए। ओ कुर्बान जाऊं, हम तुमको बोला था रात में मत भीगो, तुम्हारा गला खराब हो गया। ओ तुम इधर आओ, आराम से बैठो,
गाना आम गाएगा, तुम सुनो और कुर्बान जाओ बेटो। बाबू साहब, लगता है आज हम लोग को भूखा सोना पड़ेगा। ये गुले बकावले तो जवानी का नींद सो गए। उठो, बहुत काम करना है, चलो। कान का खुदाई का सामान नहीं मिलेगा, खजाना आम को नहीं मिलेगा। कम से कम कितना खर्चा लगेगा उसमें? अब बात क्या ना मर्द वाला, देखो कम से कम तुम कितना पैसा खर्च करने को तैयार है? सुबह हिसाब लगा के बताऊंगा। ठीक है, तुम सुबह हिसाब लगा के बताओ, फिर हम सुबह मिर्जापुर चला जाऊंगा। मिर्जापुर क्यों जाओगे? मिर्जापुर नहीं जाएगा तो क्या ये तीन टांग का गांव के अंदर तुमको खुदाई का सब सामान मिल जाएगा? ठीक है, जाओ मिर्जापुर जाओ।
हाँ, मिर्जापुर तो हम सुबह जाऊंगा, अभी हम अपना बुलबुल जान को मिलने के वास्ते जाएगा। क्या खान, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का? ओ भाईजान, यही तो असली वक्त है लोगों के घर पे जाने का। देखो, हमको जाकर उसके साथ थोड़ा शादी का तैयारी का बातचीत करना है। वो हमारा होने वाला सातवां बीवी है। होने वाला बीवी? हाँ, सातवां। और देखो, उस शादी का जोड़ा हम उसके लिए बनाएगा, पेशल पेशल। वो एक तरफ चांद होगा, दूसरी तरफ सूरज रहना चाहिए। कमान खान, बहुत बेहूदा आदमी हो। वो इसमें बेहूदगी का क्या बात है यार? तुम इधर सो और ख्वाब देखो चांद सूरज का। आम चांद और सूरज से खेलने जाता हूँ। अब भी ऐसा महसूस होता है कि हजूर नवाब साहब की नजरें अनायत मुझ पर। और हमको अल्लाह कसम ऐसा लगता है जैसे अभी थोड़ी देर के अंदर नवाब साहब जो है ना, ये अपना हुक्का ये आज फेंकेगा और फोटो फ्रेम ऐसे तोड़ेगा और उछल के छलांग मार के इधर हमारा सामने खड़ा हो जाएगा, हमको अपना सीने से लगाएगा और हमको बोलेगा, अजब खान, हमारा जान, हमारा प्यारा पठान, हम तुम्हारा शुक्रगुजार है कि तुमने हमारा दिल के बुलबुल को अपने दिल के पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। और हम उसको बोलेगा, नवाब जान, पठान का जान, हम तुम्हारा हुक्का कसम खा के बोलते हैं, हम तुम्हारा बुलबुल का ख्याल रखेगा और उसको रोज दाना भी खिलाएगा। बहुत शरीर है आप खान साहब, बिल्कुल उन्हीं की तरह। देखिए, आपकी शक्ल भी उनसे कितनी मिलती है। बात शक्ल का नहीं हमारा जान, बात दिल का है, दिल का। उनका दिल भी बहुत बड़ा था खान साहब। तुम सुना नहीं, दुनिया में जो सबसे बड़ा होता है ना दिल, वो पठान लोग के पास होता है। वो मुझसे शादी करना चाहते थे लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। उनकी आंखों में कोई और हसीना बस गई। नवाब साहब का आंख भी बड़ा था। यहाँ पर मैं उनके साथ गर्मियां गुजारने आया करती थी। और सर्दी किधर? घटाओं में कोई भूली कहानी याद आती है, नया मौसम जब आता है पुरानी याद आती है, जवानी बलाए ना।
सरकार ने दासी को याद किया? हाँ साहबजादी अनारकली, हम कहना चाहते थे। दासी सरकार का इशारा समझती है। सरकार कहना चाहते हैं कि उन्हें आज के फूलों की खुशबू कल के फूलों से ज्यादा पसंद है। हाँ लेकिन बखुदा हम तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। हमारा महल, आसमान महल जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद था, जहाँ हम सरकार के साथ गर्मियां गुजारा करते थे। हाँ भाई वो महल हमने तुम्हारे नाम कर दिया। जहे नसीब। इसीलिए वो दोस्त नवाब का बच्चा इसके साथ शादी नहीं किए। जो औरत मर्द से पहले सो जाएगा उसके साथ कौन मर्द शादी करेगा? बहुत बहुत मेहरबानी बुलबुल जान, हमारा दिल का हमारा मोहब्बत का तुम बिल्कुल पेपसा बना दिया भाई। चलो अल्लाह तुमको जन्नत बख्शे, सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। खान ये लो। ये कितना पैसा है? 1000। वो हमको 100 में बताओ ना यार। 1000। अच्छा ठीक है भाई। खान ये रुपया मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, इसका एक एक पैसा संभाल के खर्च करना। ओ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा। जी बिल्कुल नहीं, मेरा पैसा मेरा पैसा। ठीक है क्या क्या लाना है वो सब याद है आपको? हमको दूध पीता बच्चा समझते हैं तुम। तो वापसी कब तक होगी? हम इंशाल्लाह ईद से पहले आ जाएगा वापस। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो मगर देखा कल रात की गलती के लिए माफी चाहती हूँ। ओ भूल जाओ कुर्बान जाओ, वो तो जवानी का नींद था। आप तशरीफ कहाँ ले जा रहे हैं? आम जाता मिर्जापुर, वो क्या है काम की खुदाई के लिए हमको थोड़ा सामान खरीदना है। आप मेरे लिए क्या लाएंगे? तुम्हारे लिए। ओ खुदाया पाका अजब खान के उल्लू का पट है तुम भी। वो दरअसल हम तो चाहते हैं शहर में तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा खरीदने के वास्ते। मेरे लिए? वो हम शादी नहीं करेगा तो कौन शादी करेगा? याद हो गया थोड़ा। हमारा मतलब है कि हमारा होता हुआ किसका मजाल हो सकता है जो तुमसे शादी करेगा? हम उसका आन आखी खींच कर हाथ में दे देगा उसको। उधर से हम लेके आएगा एक जोड़ा, ऐसा जोड़ा खुदा कसम, एक तरफ इधर सूरज होगा दूसरी तरफ इधर चांद होगा। लीजिए हजूर ये अंगूठी, आप अपने हाथ से मेरी उंगली में पहनाइए। ये मैंने इसी दिन के लिए रखी थी। ये? चला गया। और लाइए, आप अपना हाथ दीजिए। ओ जरा संभाल लो कुर्बान जाऊं, वो छोटा है और हमारा उंगली बहुत मोटा है। सो आ, 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 बस बस वो बस हो गया कुर्बान जाओ, इसको ऐसे रहने दो। क्या ये ऐसे रहेगा? हमको चुभेगा, हमको चुभेगा, हमको तुम्हारा बहुत याद आएगा। अच्छा अब हम जाऊं, ये तुम्हारा छतरी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और धूप में ज्यादा मत घूमना, तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।
अभी हम तुमको थोड़ा देर और चलाता है, तुम्हारा एक छील है ना बाप के साथ उड़ जाता है चक्कर के। उल्लू का पटा, तुम्हारा समझ में आता क्यों नहीं? उल्लू का पटा, हम अपना मंजिल के एकदम करीब पहुंच गया था, थोड़ा रास्ता बाकी था। तुम हमारा साथ छोड़ दिया चने के, अभी हम क्या करेगा? उल्लू का पटा, ठीक है तुम जाना मत, हमें भी आता है, अभी आता है, अभी हम आधी रात को जाएगा, तुम्हारे लिए कुआं खोदेगा, पानी लेके आएगा, तुम्हारा बाप का इधर नल लगा है, टंकी तुम्हारा दादा दरूस का है, ये सब तुम्हारे भाई। हाय हाय, आते बाहर निकल पड़ेंगे साले, इतना मत हंस। बुलबुल जान, तुम्हारे पास आकर नहीं हंसेंगे तो कहाँ हंसेंगे? आज तो तुम्हारे हाथ से शराब का छलकता हुआ जाम हो जाए। अरे जाम भी मिल जाएगा बहन के भाई। हमको मालूम नहीं था कि दुकान है। ए खान, अभी रंग में भंग मत डाल, चल फूट यहाँ से। तुम किसके वास्ते नाराज होता है? सुनो, वो लोग जैसा सवाल किया वैसा हम जवाब दिया। हम इस शहर में अजनबी आदमी, बार हमारा गाड़ी खराब हो गया, हमको गाड़ी में डालने के लिए थोड़ा पानी मांगता था, आप पानी हम ऐसे नहीं लेगा, हम पैसा देगा, पैसा। अरे अजीब लोग हो तुम लोग, बेचारा शहर में नया नया आया है, क्या सोचेगा अपने दिल में कि इस जगह के लोग बड़े बदतमीज और बद इखलाक है। खान, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना। हम थोड़ा सा पानी लेने के वास्ते आया क्योंकि हमारा गाड़ी गर्म हो गया है। अरे खान, बुलबुल जान तो खातिर कर रही है और तुम पानी के चक्कर में हो, गाड़ी को गर्म रहने दो और तुम ठंडे हो जाओ। अबे उल्लू के अट्ठे, बुलबुल जान की खातिर से आदमी ठंडा नहीं गर्म होता है। जरा हमरे भी तो सुनते जाओ बबुआ। अरे सुनाओ बुलबुल जान। आपके जइयो ना, आपके जइयो ना प्यारे हटरिया से, आपके जइयो ना प्यारे हटरिया से, पानी ले जाओ मोरी गगरिया से, मोरी गगरिया का ऐसा Thank you.
बुलबुल जान, आज एक तवील अरसे के बाद किसी ने अजब खान को इतना खुश किया, हम तुमको मालोमाल कर देगा, मालोमाल कर देगा हम तुमको। ये लो बस एक रुपया। कोई ऐसे वैसे एक रुपए का नोट नहीं है भाई, ये बरकत वाला नोट है, बरकत वाला। जिधर तुम्हारा बाकी का नोट रखा है ना, उधर ले जाके इस नोट को रख दो, चकाचक नोट पैदा हो जाएगा। शब बखैर, सलाम अलैकुम। अरे चुप, नाम बड़े और दर्शन खोटे। निकाला तो इतना बड़ा नोटों का बंडल था, मगर दिया क्या है? देखो चप्पन चुरी, कदर नोट का नहीं होते, कदर उस जज्बे का होता है जिसके साथ नोट दिया जाता है। तुम इस नोट का कदर करो, उसके बाद इस नोट का रंग देखो। रंग तो मैं तुम्हारा देख रही हूँ, छाजी दाढ़ी लगाकर अंदर चले आए। अरे इतनी लंबी चौड़ी छाती, अरे बैल का बैल आदमी, मालूम होता था कि अंदर लोहे का दिल है, मगर निकला चूहे का। पैसे देने के नाम पे बिल के अंदर घुस गया। देखो चप्पन चुरी, ये सब बातें औरत के मुंह से सुनने का हमको आदत नहीं, समझा? सुनने की आदत नहीं, बहुत शर्मदार हो तो गाना सुनने बगैर उठ के चले क्यों नहीं गए? भाई छैला पटियाला वाले की रिकॉर्ड नहीं बज रही थी, बुलबुल जान का गाना हो रहा था। और बुलबुल जान कोई म्यूनिसिपालिटी का माल है कि फुकट का दीदार करने वाले दाढ़ी हिलाते हुए चले आए? अगर पहले मालूम होता कि सूदखोर पठानों से भी दो जूते आगे हैं, तो गुद्दी में हाथ डालकर बाहर निकलवा देती। देखो बुलबुल जान, तुम जैसा खूबसूरत माशूक के साथ हमको ज्यादती नहीं करना चाहिए, मगर तुमने भी हमारे साथ ज्यादती किया। तुमने हमको गाली दिया है, हमको नहीं हमारा बाप को भी गाली दिया है। तुमने हमको सूदखोर पठान बोला है, हम सूदखोर पठान नहीं है, हम काम करके अपने मेहनत से कमाते हैं। अभी तुम हमको अपने दिल से एक दफा बोलो कि तुम हमको माफ कर दिए। नहीं बोलेगा ठीक है मत बोलो, खुदा भी ऐसा पठान लोग का सुन लेता है। हम इधर ही बैठेगा जब तक तुम हमको माफ नहीं करेगा। वैसे भी हमको सुनने के लिए कोई जगह तो मांगते है। इधर आओ, आम को सुला दो, अब आओ कुर्बान जो आगे पढ़ो क्या लिखे। हम इधर खैरियत से पहुंच गया, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम किसी बात का फिक्र नहीं करना। हाँ बहुत अच्छा है, अभी लिखो हमको इधर रहने के वास्ते एक बहुत अच्छा जगह मिल गया। हमको इधर रहने का वास्ते बहुत अच्छा जगह मिल गया, जगह मिल गया है, यहाँ हमको हर चीज का बहुत आराम है। तुम फिक्र मत करो, हम सब सामान लेकर आएगा। खुदा हाफिज। फकत अजब खान वल बलिदाद खान। कुछ हमारा भी हक है तुम्हारे ऊपर, दो दिन से तुम्हारा चहकना नहीं सुना, जरा पर्दे से निकलकर बाहर तो आओ मेरी जान, कुछ नाच गाना हो जाए। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। वाँ। वाँ। मेरी जान पठान से मत डरना, तुम हुक्म दो तो दो मिनट में उसकी पठानी निकाल कर रख देंगे, हम भी शेर की छाती रखते हैं। भाईजान देखो, अजब खान को बरात डालना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारे समझ में बात आया? समझ में आया बात? नहीं आया?
यार नासिर, मैं जब भी तुझे देखता हूँ ना तो मेरे दिमाग में घपरा होता है। क्यों? अरे जिगर, अब वो जमाना गया जब माशूक के सामने आशिक का पैगाम है मोहब्बत कासिद लेके जाया करते थे। अब तो कोई भी लड़की बात करने का बुरा नहीं मानती, अम्मा से भी नहीं कहती। अरे मैं तो कहता हूँ एक बार बेगम के सामने फूटो तो सही कि तुम चाहते क्या हो। उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि तुम उसके आशिक जार हो। शायद, मगर क्या बात करूं, किस तरह करूं? मैं बताऊं? बोल। अब जब कभी भी वो तुझे सामने खड़ी नजर आ जाए ना तो उसके पास जाके रोना शुरू कर देना। वो पूछेगी बात क्या है तो फट से उसके कदमों पे गिर जाना। तुम्हें तो यार हर वक्त दिल लगी सोचती। तो और क्या करूं यार। यार नासिर, तेरी किस्मत बहुत जोरदार है। क्या मतलब? देख वारी आ रही है। बेगम, तुम आगे आगे रहो और मैं यहां दीवार के पीछे छुप जाता हूँ। जो तुम मैं बोलूं वो तुम उसे बोलते रहना। अच्छा। और अगर उसने मुझे बुलाया तो मैं सामने आ जाऊंगा, समझ गया ना? सुनिए। बोलो। नाचीज का सलामे मोहब्बत कबूल हो। देने की बेगम। क्या? एक नजर इधर भी, हम भी आपकी राह में खड़े हैं, कुछ हमसे भी बातें करते जाइए। वो मैं तुमसे मेरी आपकी तुम लोगों को हर वक्त मजाक सोचता है, न घर देखते हो न बाहर। मुझे परेशान करने के लिए हमेशा नए नए तरीके निकालते रहते हो। कहीं कोई शराफत है तुम्हारे में या नहीं? अब मैं क्या करूं, गली में आना जाना बंद कर दूं, घर में बैठ जाऊं? आइंदा अगर मैंने तुम्हारी शक्ल देखी तो मेरा जूता होगा और तुम्हारा सर। लेकिन मैं आप पहले बात करने का अंदाज सीखो, बदतमीज बेहुदा लोग। तेरी तो सारा पैसा खत्म हो गया, सामान नहीं खरीदा। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा एक एक पाई वापस करें। खुदा मुसब्बबुल असबाब है, और क्या लिखेगा, बस ये के मुस्कुराता रहो, हंसाता रहो। और एक शेर याद आया, जिंदा रहेगा फिर मिलेगा, फिर चमन में फूल खिलेगा। खुदा हाफिज। फकत अजब खान वल आधा बरस है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आप यहाँ इस वक्त? मैंने मैंने सुना है उनका खत आया है। उनका? ओ अच्छा अच्छा, उसका वो जी हाँ, उस हराम अजब खान का खत। जी हाँ आया है, पढ़ लीजिए। आप पढ़ दीजिए ना, मेरी नजर पर जोर पड़ेगा। मेरे दोस्त भाई अमान। क्या कुछ लिखा है? जी बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है उसने। नहीं, सिर्फ मेरे लिए। आपके लिए? नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा मतलब है ये पहले सफे पर कुछ नहीं है। दूसरे सफे पर तो आप ही का जिक्र है। जी हाँ, बस आप ही आप हैं। पढ़ दीजिए ना। पढ़ूं? अगर जहमत ना हो तो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, अनारकली बेगम को मेरा प्यार। प्यार? जी प्यार, दुनिया भर का प्यार। और हाँ, और उनसे कहना कि मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ और वो तैयार रहे। शादी के जोड़े के बारे में क्या लिखा है? शादी के जोड़े के बारे में? हाँ, शादी के जोड़े के बारे में लिखा है कि उनसे कहना कि मैंने जोड़े का ऑर्डर दे दिया है। ऐसा जोड़ा जिसके एक तरफ चांद होगा। बस और बस, रहने दीजिए, मैं समझ गई। अमान साहब, अगर आप उन्हें जवाब दें तो लिखिएगा अंगूठिया भी वो वहीं से बना लें।
यहाँ तो सोने का काम कोई जानता ही नहीं है। जी अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते। जिन नौकरी से निकल दूंगा तू वापस तो आ खान, यू इडियट। Ah!
ये क्या है? पैसा। किसके वास्ते? तेरे वास्ते। और बुलबुल जान एक बात सुनो, हम पठान का औलाद है, कभी औरत का कमाई नहीं खाते। आज तुम ये बात कर दिया ठीक है, आइंदा कभी ऐसा बात किया ना, खुदा कसम ऐसा जापड़ मारेगा ना तुम्हारा कोपड़ी, सात दिन तक घूमता रहेगा, उसके बाद उल्टा दिखेगा, समझा? ये कहानी एक झापड़ से ही शुरू हुई थी अजब खान, और शायद झापड़ पे ही खत्म हो जाएगी। जो पैसा तूने मुझ पे खर्चा किया वो तेरा नहीं था ना? तुम ठीक बोलते है, ये पैसा हमारा दोस्त अमान का है, हमको उसने दिया था कुछ सामान खरीदने के वास्ते, मगर वो सामान मैं जानती हूँ। दो रोज पहले तूने जो चिट्ठी अपने दोस्त के नाम चाचा के हाथ लिखवाई थी ना, वो चिट्ठी चाचा ने मुझे पढ़कर सुना दी। ले ले, अब ज्यादा ही हिकड़ी मत मार, जेब में रख ले। नहीं ना, नहीं तो तेरा शिरीना वाला काम रुक जाएगा। ये ले, पूरे 999 हैं। 999 क्यों है? इसलिए कि ये 1 रुपया तूने अपनी पहली मुलाकात में मुझे दिया था, इस पे तेरा कोई हक नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। फिर भी ये रुपया मैं तुझे उधार दे देती हूँ, अगर तू वाकई पठान का बच्चा है तो एक न एक दिन इसे देने वापस जरूर आएगा। आएगा ना? ले, अब झापड़ लगा। बुलबुल जान, एक तप्पड़ भी हम उधार रखते हैं, जब फिर मिलेगा ना तब जोर से लगा के जाएगा। लेकिन फिर कभी चलो तुम यहाँ पर बैठे हवाई किले बना रहे हो और वहाँ दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है। कहाँ? तुम्हारे मोहब्बत के महल पर। और कहा ये सब किताबें आपके वालिद की हैं? जी हाँ। That's interesting. मेरे वालिद के खतों में उनका बहुत जिक्र हुआ करता था। अब्बा लिखते थे कि अब्दुल करीम खान मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगा। अरे खड़ा खेल फरुख आबादी मेरे भाई, दो टोक बात करो, दन दनाते हो, घुस जाओ उस बेगम के घर में, सौगात लेके जाओ एक सुर्ख गुलाब के फूल की डाली, हाथ पकड़ के बाहर कर दो उस अमान के बच्चे को, और कहो उस गुलछड़ी से कि मैं हूं तुम्हारा पुराना आशिक, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। लाजिम है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। जी आप? जी मैं भी ये सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ। Strange are the ways of life. जी? अरे वो अंदर हंस कर तेरी महबूबा के साथ बात कर रहा है और तू बाहर खड़ा रहकर रो रहा है। अरे सच्चा आशिक होकर दूर के दीदार पे जिंदा है, सोचता क्या है? जा जा अंदर जा। नहीं, कोई मिलने आया है तो इस तरह से अंदर नहीं जाना चाहिए, बदतमीजी है। ए परवरदिगार, सच्चे आशिक को उल्लू का पठान जो बना। सामने की झाड़ियों में बैठकर इंतजार करते हैं, अगर कोई अंदर है तो बाहर जरूर आएगा, चल। अरे रात भर इंतजार करना पड़ा तो? रात भर क्या, मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा, चल। अच्छी मुसीबत है, एक तो दोस्त ही निभाओ, ऊपर से रात भर बात करो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तू मुझे यहाँ पर क्यों सड़ा रहा है, मैं तो जाता हूँ। नहीं, तू यही रहे। अरे लेकिन क्यों?
इसलिए कि अगर तूने बेगम पर छोटा इल्जाम लगाया है तो मैं तेरी कब्र यही बनाऊंगा। और मेरे यार, जो कुछ मैंने तुझे बताया वो बात सच निकली तो फिर मेरे दोस्त एक वादा कर कि तू मेरी कब्र यही बनाएगा। सुबह माफ कीजिए, आपका काफी वक्त लिया मैंने। ये आप ही का घर है, जब जी चाहे आ जाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मुख्तार, मुख्तार। ए नासिर, मेरी बात तो सही निकली ना? आप जाओगे अंदर? नहीं, अंदर नहीं। तो क्या अमान के पीछे जाओगे? नासिर, ए नासिर, काजी के पास ले जाएंगे तो फिर मेरे दोस्त एक वादा कर कि तू मेरी कब्र यही बनाएगा, मेरी कब्र यही बनाएगा। बेगम पर जो इल्जाम तुम लगा रहे हो इसकी सजा मौत है। इस्लाम की रूह से जानी को संसार करने का हुक्म है, यह तो बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। जिंदगी लेना बहुत आसान है मगर जिंदगी देना सिर्फ परवरदिगार के हाथ में है। मगर अपने दोस्त की मौत का ख्याल करके मेरा खून खौलने लगता है काजी साहब। अब तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया, चाहे जैसी कसम लीजिए। कल रात अमान को बेगम के घर में देखकर नासिर का दिल जिंदगी से उचाट हो गया और उसने जीने पर मौत को तरजीह दी। अपनी जान अपने हाथों लेना भी शरीयत और इस्लाम की नजर में गुनाह है, मगर अब तो जो हो गया सो हो गया, अल्लाह उसे माफ करे। काजी साहब, क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में, क्या कुछ सोच रखा था मैंने, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, उसका सहरा देखने के अरमान में तो जी रहा था मैं। अब मैं उस औरत को किस तरह माफ करूं जो मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार है। काजी साहब, मुख्तार, बेगम को हमारे पास लाओ। यही है वो चुड़ैल जिसने मेरे दोस्त की जान ली है, यही है वो दो टके की औरत जिसके सर पर नासिर का खून है। ये बच्चलन है, बदकिरदार है, गैर मर्दों से इसकी यारी है। अरे इसकी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मार डालो। बकवास बंद कर हरामजादे। शरीफ औरत पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले एक नजर अपनी माँ बहन की तरफ तो देख लिया होता। क्यों, सच बात कही तो आग लग गई है? अरे एक तरफ तो नासिर के साथ मोहब्बत की पेंगे बढ़ा दी थी तो दूसरी तरफ अमान को रात में अपने घर में बुलवा बुलवा के रखती थी।
ये झूठ है। मैं नासिर को नहीं जानती, ना कभी उसे बात की है मैंने। मैं कलामे पाक की कसम खा के कहता हूँ भाइयों, यही औरत नासिर की मौत का सबब थी। नासिर इसे चाहता था, इसका आशिक था। अरे देखता क्या हो, इसे मार डालो। इंसाफ करने के लिए हम मौजूद हैं। मुझे इस तरह पकड़ कर लाए हैं ये लोग जैसे मैंने 100 खून किए हैं। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है वो खून के इल्जाम से भी कई दर्जे ज्यादा है। लेकिन ये इल्जाम लगाया किसने? इन बेईमानों ने, जो रात दिन मुझे तंग करने के नए तरीके ढूंढते रहते। तुमने आज तक इस बात की शिकायत क्यों नहीं की हमसे? अगर आप शिकायत सुनने के काबिल होते तो इन बदमाशों को मेरे घर में भेजते, मुझे इस तरह सारे बाजार जलील न करते। हमने तुम पर कोई ज्यादती नहीं की, सिर्फ बुलवाया है। और ये लोग गुंडे नहीं, शरीफ लोग हैं। आप इन लोगों को शरीफ कहते हैं? इसीलिए तो मैं कहती हूँ मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। लाहौल विलाकुआ औरत, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तेरी इस गुस्ताखी से मुझे यकीन हो गया है कि जो ये लोग कहते हैं वो ठीक कहते हैं। संसार कर दो इसे। इंसाफ की राह में दखल देने वाला बराबर का गुनहगार होता है। काजी साहब, अपने फैसले पर दोबारा गौर कर लो। इंसाफ कभी एकतरफा नहीं होते। मुख्तार ने कुरान पाक की कसम उठाई है, कोई भी मुसलमान इतनी बड़ी कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकता। मुख्तार ने कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाया था। क्या इस लड़की से कसम लिया था तुमने? अगर यह कुरान पाक पे हाथ रख के बोल दे कि यह सब झूठ है तो क्या तुम्हारा इंसाफ इसका बेइज्जती पे शर्म और हया का चादर डाल सकेगा? खुदा का कलाम उठाने का हक सिर्फ उसको है जो इल्जाम लगाता है। जवाब दो काजी साहब। बेगम के सामने कुरान पाक लाया जाए? हरगिज नहीं। एक जानी के हाथ में खुदा का कलाम नहीं रखा जा सकता। खामोश रहो मुख्तार, खुदा का कलाम तुम्हारे इशारों का पाबंद नहीं, बल्कि हम सब उसके हुक्म के गुलाम हैं। तुम्हारे गाँव के लोग पुरानी रिवायतों के अब भी इतने कायल? इस्लाम में जाने की यही सजा है। इस्लाम में सच और झूठ का इख्तलाफ करने के लिए भी तो कुछ उसूल हैं। यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, आप यहाँ से जाइए, शायद नामुमकिन। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे तुम्हारे गांव के लोग मुझे ही पत्थर मार मार के क्यों ना मार दे। Thank you.
सुनो, हम जो बोलते हैं सुनो, कान खोल के सुनो, उधर मत देखो, उल्लू का पट्टा इधर देखो। देखो आसपास का सब गांव में ऐसे का बीमारी फैल गया है, ऐसे का बीमारी कोलेरा, और इस गांव में भी जरूर फैलेगा। सरकार की तरफ से एक डॉक्टर आएगा, वो तुम लोग को इस बीमारी से बचने के लिए टीका लगाएगा। वैसे ये टीका हमारा दोस्त अमान भी लगा सकते हैं, वो भी डॉक्टर है। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है, चल आप घर चलिए, मैं अभी टीका लगवा कर। बढ़िया टीका लगवाने वाली, याद है पिछले साल जब मैंने टीका लगवाया था तो 3 दिन तक बिस्तर पे पड़ा रहा था। इसे तो टीका लगवा लूं। टीके की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम बीमार पड़ गई तो खाना कौन बनाएगा, तेरा बाप। अगर आज ये घर खाना पकाने चली गई तो कल शायद तुम्हारे घर में खाने वाला कोई न होगा। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? बीपी गेज सिरिंजेस देखिए, मिल सके ना ये लो बाबू सर। इसको तुम अच्छी तरह देख लो, फिर से गौर से देख लो, सो सकते कुछ भूल गया याद आ जाए, क्योंकि ये सब सामान जो है ना, ये हमको इस 3 टांग के गांव में मिलेगा नहीं, इसके लिए तो हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा। हाँ, शायद मिर्जापुर तो नहीं जाना पड़ेगा। ओए तुम, कमाल है, मिर्जापुर का नाम क्यों लेता है, तरबूज? तुम बात बात पे हमको मिर्जापुर का ताना देते। तुम देखो हम बहुत होशियार है, हमारे साथ होशियारी मत करना, समझा ना। ये हमको मिर्जापुर में भी नहीं मिलेगा, ये इतना सब लाने के लिए ए हमको आलमपुर जाना पड़ेगा। आलमपुर डॉक्टर साहब, मुख्तार सब ठीक हो जाएगा मुख्तार, फिक्र मत करो। Thank you.
बच्चा। मैंने आपको हमेशा तकलीफ दी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा दोस्त है ना नासिर, वो अकेला होगा, वो पर अकेला होगा, वरना ये उम्र में कोई मरने की। अल्लाह लीजिए हजूर, ये अंगूठी आप अपने हाथ से मेरी उंगली में पहनाइए। ये मैंने इसी दिन के लिए रखी थी। अब तुम जाने वाले, तुम इस पूरा गांव के अंदर एक अलग मजहब का औरत है। हम क्या करेगा, तुमको आग के हवाले करेगा कि खाक के हवाले करेगा, हम क्या करेगा? सफर धूल पर हो या धूल पर, आत्मा तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। जितना पैसा था वो सब दवा या गांव के लोगों के इलाज में खर्च हो गया। अब तो यहां काम करने वालों को भी तनख्वाह नहीं दे सकता। सोचता हूं शहर वापस चला जाऊं। यहां से जाने की इजाजत देने का मुझे क्या हक है? तुम चल सकोगे मेरे साथ? तुम ले जा सकोगे? पहले अपने आप से पूछ लो, कहीं मुझे भी भूले हुए ख्वाब की तरह रास्ते में दफन मत कर देना। बेटा मुझे जाना ही होगा। ओ तुम नहीं जा सकता यार, अभी तक तो खजाने का नाम और निशान का पता नहीं चले। और ना पता चलेगा, खजाना हो तो पता चले। क्या मतलब खजाना हो तो? ओ यार तुम कैसे बोल सकते हैं कि खजाना नहीं है उधर? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना है और ना कभी था। इसका मतलब है जो इधर हम लोग सब लोग मेहनत करता है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जो हर इंसान दिन रात अपना खून पसीना बहाता है उसका कोई मकसद नहीं है। और जब खजाना नहीं है तो इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत है तुमको? ये देखो अमान, अगर तुम्हारा हिम्मत टूट गया हमको साफ साफ बोल दो कि अब जब कान हम थक गए, किसी बहाने के पीछे नहीं छुपो। और जब हम तुमसे बात करता है इधर देखो, इधर देखो।
और तुम रोता किसके वास्ते? देखो बच्चा, तुम रोना बंद कर दो। तुम रोना बंद कर दो, नहीं खुदा कसम हम भी रो पड़ेगा और हम रोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। रोना बंद कर दो यार। आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है, किस्मत के पंजे में जिंदगी एक बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ाती रहती है। और वैसे भी ये जिंदगी है क्या? जिंदगी कहते हैं जिसको दिल रुबा माशूक है, ये कभी फूलों की डाली ये कभी बंदूक है। खजाना मिल गया।
ठहरो, अगर बेगम की जिंदगी अजीज है तो खजाना हमारे हवाले कर दो। तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुमको मालूम है वो दोस्त का बच्चा कितनी दफा तुमको मारने की कोशिश? अरे लेकिन वो खजाना चला गया। हाँ, ये बोलो ना हमको, खजाना गया हमारा? ओ बेवकूफ का औलाद, ये खजाने का खातिर देखो एक आदमी वो दलदल के अंदर डूब के मरता है। और तुम एक काम करो, तुम ये गंजी पढ़ा के ना इसको उतारो, ये पतलून उतारो और नंगा कूद जाओ पानी के अंदर। देवा खान, मैंने तुम्हारी बहुत बकबक बर्दाश्त कर लिया है। इट इज प्योरली माय अपब्रिंगिंग कि मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं किया है। कौन सा माय अपब्रिंगिंग? क्या तुम क्या समझोगे? हाँ, हम तो कुछ नहीं समझ सकते। तुम्हारा बाप ने तुमको जबान चलाना सिखा दिए, ये बेजा चलाना सिखा दिए, लेकिन हाथ पैर चलाना नहीं सिखाए। तुमको ना मर्द बना दिए। क्या कहा? हाँ, बोले तुमको ना मर्द। ना मर्द? नहीं, ना मर्द। मुझे हाथ चलाना नहीं आता। अभी ठीक है।
इतना कुछ करने के बाद क्या मिला? खजाना भी गया, हमें क्या मिला? हमको क्या मिला? तुम अपना सूरत देखो, ऊपर से अपना सूरत, तुम अपना सूरत देखो। तुम इधर आया था तो तुम मक्की का औलाद लगता था, अब अभी तुम मरद लगता है, मरद। अभी देखो तो चौकड़ी देखते तुम, वो एक खजाने के बराबर एक चौकड़ी है। तुम उसके साथ शादी बनाएगा, उसको 5, 7, 20, 25, 40, 50 बच्चा देगा। अब खान थोड़ा ज्यादा हो गए, हर बात का पूछा। उसके बाद तुमको आम जैसा एक दोस्त मिल गए। तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो 20-25 दुश्मनों की भी जरूरत नहीं है खान।